द सेपियंस आज आपके लिए लेकर आया है, एज़ प्रॉमिस जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हम बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष यानी बिहार में जितने फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उसको कर रहे हैं। 1857 का रिवोल्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है और उसके साथ साथ मैं इम्तियाज़ अहमद की बुक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रही हूँ पैरेलली। वहाबी आंदोलन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज़ अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, और उसके बाद वहाबी आंदोलन के इम्तियाज़ अहमद के क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख लिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा ज़रूर से ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैं ना ही सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करके आपको आंसर बताऊँगी, इनफैक्ट आंसर्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। अगर आप नोटिस करें क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, मैंने मार्क इसलिए किया है ताकि आपके पिक्चरेस्क्यू मेमोरी में हो, और इसके साथ साथ मैं आप अपने पिछले वीडियो से रिलेट करके बताऊँगी कि जो वीडियोज़ में मैंने पढ़ाया है वो कैसे यहाँ अप्लाई करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो कैसे स्टोरी के थ्रू जो आपने थ्योरी कंप्लीट की है वो कैसे आप दिमाग में बिठाएं, उसको सोचें और अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस, क्योंकि बीपीएससी इज़ नाउ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें हर रूप से तैयारी करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बिना लेट किए अब मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सीरत मुस्तकाम, रिसाल जिहाद और रिसाल हिजरत, ये तीनों बुक का नाम मैंने अपने पिछले वीडियो में बिल्कुल से बिल्कुल बताया है, और मैंने ये भी बताया है कि इसके जो राइटर थे वो हैं कौन, इसके जो राइटर हैं वो हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी हे, ये दो राइटर्स हैं और ये तीनों बुक जो है वो वहाबी आंदोलन से एसोसिएट रखती है। अगला सवाल आपका आ रहा है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफ़गानिस्तान के यात्रा पर पटना से कौन सा वहाबी नेता गए थे? तो ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है बिल्कुल, ये सारा आपको लगेगा कि आप रिवाइज़ कर रहे हैं। सैयद अहमद बरेलवी, ये बरेली में पैदा हुए, इसलिए इनका टाइटल दिया गया था बरेलवी, और ये इनायत अली और विलायत अली के साथ अफ़गानिस्तान के टूर पर गए थे। इसके साथ साथ मैंने इनके बारे में भी आपको और भी कई सारी चीज़ें बताई थी कि ये पटना कब आए थे। सैयद अहमद जी पटना आए थे 1821 में, और इसके साथ साथ आप और याद कर सकते हैं कि ये जो जब 1831 में इनका डेथ हुआ था बैटल ऑफ बालाकोट में ये किसके साथ लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे सिखों के साथ। सिख के सरदार कौन थे उस समय, कोई बता सकता है? आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइए कि उस समय जो बैटल ऑफ बालाकोट है वो कौन, महाराजा कौन थे 1831 में, और वहीं लड़ते लड़ते इनका देहांत हो गया था, सैयद अहमद बरेलवी का। तो अंतिम, उसके बाद नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभी भाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये जो हैं ये विलायत अली जी थे, और विलायत अली जी को अभिभाषण देने के लिए जो बहादुर शाह जफर जी हैं वो सहमति दिए थे कि आप कर सकते हैं वहाँ पे। आगे है, पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो ये भी हैं इनायत अली, विनायत अली, ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ पिछले वीडियो में। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो ये स्थान रहा है वहाबी आंदोलन का। आगे है, भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ किया किसने? सैयद अहमद शहीद ने, जी सैयद अहमद शहीद ने, ये वही हैं, और इन्होंने ही भारत में, भारत है इंडिया में, इन्होंने ही स्टार्ट किया है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपको वहाबिज़म के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया है वहाबिज़म का सेंटर कौन सा रहा है, दो सेंटर रहा है, एक है सिताना और दूसरा है पटना, और इसके फादर कौन है, वहाबिज़म के फादर कौन है, कोई हम मुझे बता सकता है? अब्दुल वहाब है इसके, इनका कहना था कि अल्लाह इज़ पायस एंड नॉट डेटी। सब कुछ रिवाइज़ हो रहा है आपका। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए, ये तीन उद्देश्य थे, सबसे पहला था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, दूसरा था कि मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव है उसका विरोध करना, यानी ब्रिटिशर के आने के वजह से जो पाश्चात्य का हम लोगों को मुसलमानों पर जो प्रभाव पड़ रहा था उसको हमें विरोध करना है, और तीसरा है भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। आगे है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो दो केंद्र मैंने बताया है, एक था पटना और दूसरा था सिताना।
भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवक्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? ये मैंने दो बार, मतलब तीन बार, चार बार आपको बता दिया है कि 1821 में, यानी 1821 में ये सैयद अहमद राय बरेली के थे। इसमें दिया हुआ है, मैंने बताया था कि यूपी में ये बॉर्न हुए थे, ठीक है, 1786 में। आपको ये भी याद रखना है 1786 में। मैं बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रही हूँ आपको। 1830 के दशक में पटना केंद्र किसका था? पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह का 1830। देखिए, आपको ये बात याद रखना है कि वहाबी आंदोलन जो है वो 1822 से 68 में हुआ है। बाकी सारे जो हैं आप अगर नोटिस करिएगा तो नहीं है, वहाबी जो है वही करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली, कितने सारे जगह पे मैंने आपको बताया है। इनायत अली के मौत के बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि मकसूद अली नाम के थे। जब इनायत अली 1858 में डेथ हो जाती है इनकी, तो मकसूद अली आ जाते हैं इनका जगह लेने के लिए। बाहर है बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वहाबी नेता में आजीवन कारावास की सज़ा नीमांकित में किसे मिली थी? तो अहमदुल्लाह को मिली थी। उसके बाद आगे है, अहमदुल्लाह नेशनल लेवल के भी थे। अहमदुल्लाह की ही वाइफ के कहने पर लॉर्ड रिपन जो है अहमदुल्ला, सॉरी अब्दुल रहीम के ही, मतलब अब्दुल रहीम, अहमदुल्ला, इन लोगों के ही कहने पर लॉर्ड रिपन 1884 में जो बचे हुए वहाबी थे उनको रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, लॉर्ड रिपन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जेल से निकालते हैं। आगे है कहानी जो चल रही है वो है, पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन है? तो पटना के बहुत इम्पॉर्टेंट नेता थे वो, उनका नाम था आपका ये अहमदुल्ला, ठीक है। आगे है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु मैंने बताया आपको 1854 में हुई है, और इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई है। इनायत अली की मृत्यु 1858, विलायत अली की मृत्यु 1854। विलायत अली और इनायत अली ब्रदर्स थे, चार साल के बाद इनायत अली चले जाएंगे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाब आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली बना, और इनायत अली की मृत्यु के बाद आपके मकसूद अली आ जाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी आ सकता है प्रश्न। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे, तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। आगे है आपका 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबी के वकील थे। तो देखिए, ये अंबाला अभियान मैंने आपको बताया था, अंबेला अभियान इसको कहते हैं। अंबेला अभियान में एक्चुअली क्या हुआ था कि ये अभियान चलाया गया था नेशनल लेवल के याहिया अली को, हसमत दादा खान को और अहमदुल्लाह को, जिनको हम, और फिर अब्दुल रहीम, इन लोगों को काला पानी का सज़ा हो गया था। ये ना हो इसके लिए अंबेला अभियान चलाया गया था, जिसका मुकदमा जो है वो वकील जो कर रहा था वो थे प्लाइंडिंग, ठीक है। तो ये पर मृत्युदंड की सज़ा हुई और उन लोगों को आजीवन काला पानी की सज़ा, मतलब बदल दिया गया था। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त कब हुई? तो देखिए, 68 तक मैंने आपको बताया कि इनकी चल रही थी, तो देखिए 60-65 है ये, तो आपका जो सबसे नियरेस्ट आंसर है वो है 1870 से 71, ठीक है। अब अगर आपका मोर देन वन वाला ऑप्शन है तो आपका सी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे हुए वहाबी नेता कैदियों की रिहाई करवाई? तो ये हैं लॉर्ड रिपन, मैंने आपको बताया था ये कब करवाए हैं लॉर्ड रिपन, 1884 में, ईयर दिया नहीं हुआ है, आप प्लीज़ याद रखिएगा। और अब्दुल रहीम जी की पत्नी कहती हैं, अब्दुल रहीम जी तो का डेथ हो चुका है, वो 1863 में ही, उनको काला पानी का सज़ा हुआ था अंबेला अभियान वाला जो मैंने अभी आपको बताया, पर उनकी पत्नी के कहने पर लॉर्ड रिपन ने बाकी बचे हुए वहाबियों को निकलवाया था। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर यानी आयुक्त कौन था? तो ये थे विलियम टेलर।
आगे थे वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था, ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया, ये सीमांत क्षेत्र मतलब जो है आपका नेबरिंग कंट्रीज़, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में जहाँ कहाँ पर हुआ है, तो वो है सिताना, सिताना पाकिस्तान में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला है कि वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, बिल्कुल सही है, बैटल ऑफ बालाकोट, ठीक है, बैटल ऑफ बालाकोट। और आप कमेंट तो कर नहीं रहे हैं तो मैं आपको खुद से बता दे रही हूँ कि आंसर जो है बैटल ऑफ बालाकोट का, जो महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुई थी, ये ठीक है, वहीं पे उनकी मृत्यु लड़ते हुए हो गई थी और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई है। चारों का चारों ऑप्शन सही है, सारे सारे को सारे आप टिक कर दीजिएगा। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी, तो विलायत अली की मृत्यु हुई है 1854 में, ये मैंने आपको बताया हुआ है, और इनायत अली की मृत्यु हुई है 1858 में। इनायत अली के मृत्यु उपरांत मतलब मरने के बाद किस वहाबी नेता ने अंग्रेज़ों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया, मकसूद अली, ये मैं 5 बार आपको बता चुकी हूँ क्लास में। अगला है वहाबियों को अंग्रेज़ों के पराजित किया था, अंग्रेज़ों को पराजित किया था 1858 के युद्ध में, अंग्रेज़ों ने इन्हें मतलब हराया है वहाबियों को। वहाबी नेता में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी, तो मैंने आपको जवाब दिया है, अहमदुल्ला जी को भी हुई है, अब्दुल रहीम जी को भी हुई है और याहिया अली जी को भी हुई है, तो ये सबको ही मतलब हमें देखना है कि इन सबको ही हुई है आपको सज़ा। आगे है सॉरी, पटना स्थित वहाबी का केंद्र कहलाता है काफिला। आगे है वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था, यह है फराजी मूवमेंट यानी फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, ये ईस्ट एक्चुअली बंगाल में इसी नाम से सेम जो आंदोलन है वो प्रज्वलित हुआ था। तो ये सारा मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ये सारा क्वेश्चंस ही आपको दिया हुआ है इस टॉपिक में, और आपका सेकेंड टॉपिक भी इसके साथ साथ मतलब ख़त्म हो चुका है। अब हम अगला टॉपिक करने वाले हैं अगले वीडियो में, बिहार झारखंड सहित यानी दोनों साथ में मिला हुआ जनजातीय आंदोलन, और उसके साथ साथ ही बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष विराम पर आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच।